हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि आप लोग वह जो मिस्ट्री था, रहस्य था कि आखिर कौन उस जैमी स्टूडियो में विजिट करने आया था या कौन आ रहे थे, उसका नाम पता नहीं था। और जब उन्होंने द एडिटर सूर्यदा एनकाउंटर मैगजीन को पढ़ता है और उसके एडिटर के नाम को देखता है स्टीफन स्पेंडर, तब तो उसे पता चल जाता है अच्छा यह वही आदमी है जो जैमी स्टूडियो विजिट करने के लिए आए थे। ठीक है। एंड इयर्स लेटर, और काफी साल बाद, व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, और ये जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिए थे, आई वाज पार्ट ऑफ जेमिनी स्टूडियोस एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच लक। तो कह रहा मेरे पास काफी समय था लेकिन मेरे पास पैसा, एक भी पैसा नहीं था। आई हैड मच टाइम, मेरे पास समय तो बहुत था बट नॉट मच मनी, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे। एनीथिंग एट अ reduced price attracted my attention, और कोई भी ऐसा चीज जिसका price reduce हो, कम हो, तो वह इसे क्या कर लेता था, अपने तरफ आकर्षित कर लेता था, इसके ध्यान को, attention को क्या कर लेता था, अपने तरफ attract कर लेता था। On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paisa each, और एक pile of brand new books, एक books का नाम बताया जा रहा है जो कि बिक रहा था, उसका दाम प्राइस कितना था, 50 पैसा, कितना था 50 पैसा ईच, मतलब हर एक पीस का दाम 50 पैसा था। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, और एक्चुअली में जो बुक था वह सारा बुक जो है कि एक ही बुक का मतलब कॉपी था, मीन्स एक ही चीज था, बस उसका ये बहुत सारा कॉपी में था, बुक एक ही था, उसका कॉपी बहुत ज्यादा था टाइटल। Actually they were copies of the same book, एक ही बुक के सारा कॉपी थे और उसका प्राइस कितना था, 50 पैसा था। And elegant paperback of American origin, और वो कैसा था, paperback था। paperback करने का मतलब जिसका कवर नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे यह बुक का कवर जो सॉफ्ट है यह paperback हो गया, और एक जो हार्ड होता है वो नहीं। एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अ स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी, और शुक्रिया 50वां एनिवर्सरी था ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, इस चीज का रशियन रिवॉल्यूशन का, आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, और इन्होंने 50 पैसा पेड किया और एक कॉपी ले लिया। द गॉड दैट हेल्ड, और उस बुक का नाम क्या था, द गॉड दैट हेल्ड, सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट ऐसे डिस्क्राइब, और सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट ऐसे डिस्क्राइब, सिक्स एमिनेंट ये लेटर कहने का मतलब छह लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया था अपने अपने तरीके से, देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसिल्यूजन रिटर्न, और वे छह लोग कौन कौन से थे, एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेशियो सिलो, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर सडनली द बुक अज्यूम ट्रेमेंडस, तो ये लोग उस बुक में अपने अपने थॉट को डिस्क्राइब किए थे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। सिग्निफिकेंट, स्टेफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, और यह वही स्टेफन स्पेंडर थे जो जेमिनी स्टूडियो विजिट करने के लिए आए थे। In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination, और इसके माइंड में एक इल्यूमिनेशन, एक चमक आ जाता है, लाइट आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर इन जेमिनी स्टूडियो वाज नॉट ओवर अ मिस्ट्री, और यह जो स्टेफन स्पेंडर का जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट था वह मिस्ट्री नहीं रहा, वह रहस्य नहीं रहा। The boss of the Jewish studio may not have much to do with a spender's poetry, but not with his God that hell. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो यह चैप्टर था words and pancakes यह एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समरी देखेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।